टंकी का पानी ढीला करा जाए। से ना सिर्फ तुम्हारा गला फटेगा पर हमारा दिल नहीं पिघलेगा। ये पानी की रफ्तार ना सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। हाँ। इसे चिल्लाना बंद करो, शोर मत मचाओ। छोटी गुड्डन उनके कब्जे में है। छोटी को बचा लो प्लीज। बदसलूकी का ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा है तुमको बेवकूफ कुटनिया। अब देखो हम तुमको सस्ते में नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारी मुनिया का ना का हसर करेंगे देखती जाओ। ये पानी की रफ्तार और बढ़ा दो अभी के अभी। अब माँ के कर्मों की सजा ना ये बेटी पूरा करेगी देखो। कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं है वो गंगा जी। हमारी बेटी छोटी गुड्डन है। आप और आपके टटपुंजे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते समझी हाँ। और ये आपको जल्द पता चलेगा। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाली पानी की कोख में समाने वाली और तुम यहाँ डेयरिंग दिखा रही हो। हमको ना ये तुम्हारा समझ में नहीं आता है कि मतलब ऐसे चुलबुली होना अच्छी बात है पर ऐसी घड़ी में दिमाग ही खो देना गलत बात है। सलाह देना बहुत अच्छी बात है गंगा जी, लेकिन एक बार अपनी नजर जरा प्रोजेक्टर की तरफ तो घुमाइए।
आपका प्लान पानी पानी होता नजर आ रहा है हमें। अरे ठीक हो? हाँ, पापा को मिस किया बेटा। पापा ने आपको बहुत मिस किया बेटा। अरे कोई रोको इसको! अरे अरे काम मर गए सब। ए कौन है वहाँ? छोटे तू पर मैंने तो तुझे अपने हाथों से दफनाया था लेकिन मार नहीं सके ना भैया। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नजरों के सामने तुझे गोली लगी थी। जब एक बाप की बेटी मुश्किल में होती है ना तो आपकी गोली तो क्या उसे मौत भी नहीं छू सकती। अबे खड़े खड़े डाला क्या सुन रहे हो? पकड़ो इसे। चलो उठो मारो इसे। जान से मार दे इसे। आप जैसे पापा और आप जैसी माँ भी। अब रोने का समय नहीं है। आप तीनों को जिस संकट में डाला है ना उस शैतान को सबक सिखाने का वक्त है। बिल्कुल सही सासू। वहाँ एजे छोटी के साथ मिलकर उन गुंडों को सबक सिखा रहे हैं और यहाँ हम आपके साथ मिलकर इनको सबक सिखाएंगे। जान से मार दे।
अरे ओ गंगा जी कहाँ है? मौके दिए ना आपको सुधरने के, अब समझेंगी आप। एक माँ को मजबूर किया ना आपने, चलिए हमारे साथ। अरे छोड़ो उसको। तो डन लो, भाभी को कुछ मत करना। अरे अरे छोड़ो उसको, बैठिए यहाँ पे। क्या कर रहे हो? अरे अरे ये कड़े हम बोली चला देंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसको। तो डन कंगा। अरे अरे तुमको बहुत भारी पड़ेगा, बता रहे हो। छोटे रोक ले अपनी बीवी को, अगर मेरी गंगा को कुछ हो गया ना तो सबको मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं। और भाभी जितनी चाले चल सकते थे चल चुके हैं भैया, अब आपसे ना ही मैं डरता हूँ और ना ही मेरा परिवार। जितना दर्द आपने मुझे, मेरी गुड्डन और खास करके मेरी बेटी को दिया है ना, उस एक एक दर्द का बदला लूंगा मैं। छोटे 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 मत कर, छोटे छोटे नीचे कांच है, मुझे लग जाएगी, तू पागल हो गए छोटे। पागल हूँ नहीं लेकिन बन गया हूँ भैया, अपने ही बड़े भाई के हाथों मिले धोखे की वजह से। देख छोटे छोटे जो कुछ भी है, तेरा बड़ा भाई हूँ छोटे, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे छोटे, मुझे जाने दे, मुझे लग जाएगी छोटे। ये गलती माफ की नहीं, सजा के लायक है भैया। और आप आप तो सबसे अच्छी तरह जानते हैं ना कि मुझे गलतियां और गलती करने वालों से सख्त नफरत। मैं जानता हूँ छोटे, मैं जानता हूँ। हम दोनों बैठकर बात करते हैं ना। अच्छा तू अपने बड़े भाई को मारेगा छोटे? देख छोटे, तू और मैं एक ही खून है, तू मुझे जाने दे छोटे। जाने देता भैया, जाने देता अगर बात मेरी होती, लेकिन आपने और भाभी ने निशाना मेरे परिवार को बनाया है, और इस गुनाह के लिए आपको माफ कर पाना ये तो मुझसे हरगिज़ नहीं हो पाएगा भैया। अब अपना ये बाकी का नाटक आप जेल में कीजिएगा, क्योंकि आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों की सही जगह वही है। हेलो इंस्पेक्टर, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज वहां जल्दी आइए। जी हाँ, छोटी मिल गई, शी सेफ, प्लीज कम। उसी वक्त तू मुझे मार देता तो आज मेरी जगह तू होता। करूँ छोटे, मजबूर ना, मैं खुद जेल जाना चाहता हूँ और ना ही अपनी प्यारी गंगा को जाने दूंगा, समझा? सॉरी छोटे, मुझे माफ कर दे। छोटी को मैं लूंगा। नहीं भैया, नहीं।
सुनेटा वकील मेरी गंगा को कुछ मत करना। अगर गंगा को कुछ हो गया ना तो मैं इन दोनों को काट डालूंगा। अपना बच्चा तो पहले खो चुका हूं, अगर बीवी को खो दिया तो तुम अपने पति और पत्नी को खो दोगी। मेरे पास एक डील है जिससे ना तुम्हारा नुकसान होगा ना मेरा। मुझे बस मेरी गंगा चाहिए, तुम उसे यहां लेकर आओ और अपना पति और बच्ची ले जाओ। और हां, अगर पुलिस बीच में आए तो मैं छोटे की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ये मेरा वादा है गुड्डन। नहीं गुड्डन, तुम इनकी कोई डील एक्सेप्ट नहीं करोगी। तुम यहां नहीं आओगी, नहीं आओगी तुम यहां। पर चिंता साहब, मैं हमारी छोटी को सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। भरोसा करो मुझ पे, प्लीज। अपनी जान लुटा दे इतना भरोसा है आप पर चिंता साहब, पर इन शैतानों पर नहीं। इसलिए हमें आना होगा आपके लिए, हमारी बच्ची के लिए। नहीं गुड्डन, बताइए जल्दी करो। आपके पति ने वादा किया है कि हमारी छोटी गुट्टन और जिंदल साहब को लौटा देंगे, पर आप लोगों की फितरत में नहीं है ना वादा निभाना। इसलिए हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमें हमारा परिवार नहीं मिल जाता। सासू माँ, हम भी चलेंगे आपके साथ। आप जानती है ना वहां कितना खतरा है, हम आप लोगों की जान के साथ रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज, रिस्क तो आपकी जान का भी है ना सासू। कोशिश कीजिए लक्ष्मी जी, प्लीज। जितने इम्पोर्टेंट हमारे लिए जिंदल साहब और छोटी गुट्टन है, उतनी हमारी बहुएं भी। आप लोग यहीं रहिए और माँ जी अकेली है ना, उनका ख्याल रखिए। आपसे कुछ उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक आशा जरूर कर सकते हैं। इस वक्त अपने परिवार का साथ दीजिएगा। गिले शिकवे भुलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। स्वागत की तैयारी कीजिए लक्ष्मी बहू दुर्गा। इस लड़ाई पर धर्म निभाने एक मां और एक पत्नी जा रही है, और इस जंग में हारना गुट्टन से ना हो पाएगा। हम दोनों बहुत
जल्द घर जाने वाले। पता आपको कौन लेने आ रहा है? वो जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी हीरोइन है, लेकिन आपके और पापा के लिए हमारी हीरो नंबर वन। बच्ची को डर ना लगे इसलिए इतने दर्द में भी मुस्कुरा रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं जनरल साहब? हम आ गए जनरल साहब।